अगर ईवीएम के अंदर गड़बड़ी होती तो हो सकता है कि हम लोग 300 प्लस हो जाते, 350 हो जाते। हाँ, 2014 में जब कांग्रेस सरकार गई थी तब सत्ता में वो थे। देखिए, चुनावी रिजल्ट के बाद में हाजिर पर निश्चित ही मंथन होता है। अगर हम लोग 25 की 25 सीटें जीते तो भी मंथन होता। ये आलाकमान का फैसला होगा और हम तो आलाकमान के फैसले को सर्वोपरि मानते हैं। हमारे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं, हमारे लिए विचार महत्वपूर्ण है। 1962 के बाद में हिंदुस्तान की राजनीति में पहला अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े दल को लगातार तीसरी बार सत्ता मिली है केंद्र में। नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी कार्यकाल तीसरी बार के लिए है, देश की जनताओं के साथ में है। संख्या के मामले में हम लोग जरूर कुछ पीछे रहे हैं, लेकिन देश की जनता आज भी नरेंद्र मोदी जी के विश्वास के साथ में खड़ी है, उनके नेतृत्व के साथ में खड़ी है। जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। मैं सोचता हूँ कि जनता जो निर्णय करती है सोच समझ के करती है। विपक्ष को लगातार तीसरी बार सत्ता से बाहर रखा है, उनका विश्वास जनता जो है वो उनका हुआ नहीं, जनता के ऊपर विपक्ष का। नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार में है, प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन जब भी कभी सरकार बनती है, बिगड़ती है, निर्णय होते हैं, हारने वाली जो पार्टियां होती हैं, कोई भी दल हो चाहे, वो उसका जो ठीकरा है कहीं ना कहीं ऐसी संस्थाओं के ऊपर फोड़ती है, चाहे वो ईवीएम का हो, चाहे ईडी का हो, चाहे सीबीआई का हो, किसी का भी हो, मशीनरी का दुरुपयोग लगाने का वो करती है। लेकिन मेरा इतना मानना है कि अगर ईवीएम के अंदर गड़बड़ी होती तो हो सकता है कि हम लोग 300 प्लस हो जाते, 350 हो जाते। हाँ, 2014 में जब कांग्रेस सरकार गई थी तब सत्ता में वो थे, दुरुपयोग क्या उन्होंने किया था या नहीं किया था, तो ऐसा होता नहीं कभी है। जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। कहीं ना कहीं उनको हार जो है राहुल गांधी के लॉन्चिंग की, दर्जनों बार उन्होंने लॉन्चिंग करने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। इस हार को बचाने के लिए, इस हार को बचा नहीं पा रहे, इसलिए वो कहीं ना कहीं ईवीएम का बहाना ले रहे हैं। देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े विश्वसनीय नेता हैं, वैश्विक नेता हैं। आपने देखा होगा G7 का जो अभी समिट इटली के अंदर हुआ था, वहां भारत एक मेंबर नहीं होने के बावजूद भारत को बुलाया गया। ये 140 करोड़ लोगों का मान सम्मान गौरव है, इससे बड़ी बात हमारी क्या हो सकती। देश के प्रधानमंत्री सेंटर में खड़े रहे, बाकी राष्ट्राध्यक्ष जो है साइड में खड़े रहे, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। और मैं तो ये समझता हूँ कि आने वाले समय बहुत युगांतरकारी परिवर्तन होने वाले देश की राजनीति में। 2024 से 2029 का कार्यकाल ऐतिहासिक रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। देश की जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी के साथ में। सर, अब विधानसभा सत्र चालू हो रहा है, मुस्लिमों के लिए कोई अलग से बिल लाने की या मदरसों की जांच करवाने की? अभी ऐसा नहीं है, अभी हमारे बजट की समीक्षा चल रही है। लोक कल्याणकारी बजट कैसे हो सकता है, सबका साथ सबका विकास के साथ में बजट कैसे आ सकता है, इस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। बजट माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार हमारे वित्त मंत्री जी प्रस्तुत करेंगी। सब जो राजस्थान की 8 करोड़ जनता है उसके कल्याण के लिए काम होगा, किसी जाति पंथ धर्म मजहब के साथ में अन्याय नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है गरीब युवा किसान महिला मजदूर ये सारे हमारे परिवार के सदस्य हैं, इनके हित के लिए जो भी होगा वो हम लोग बेहतर कदम उठाएंगे। देखिए, जब माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय का एक फैसला हुआ था कि धर्म के आधार पर किसी वर्ग को हम लोग आरक्षण नहीं दे सकते और उन्होंने उसको निरस्त भी किया था, रद्द किया था, उसके बाद में आप जैसे मीडिया बंधुओं ने मुझसे भी पूछा था राजस्थान में वैसा हुआ क्या, जब हमने पता किया तो 1998 से लेकर 2014 के बीच में कांग्रेस की सरकार के समय कुछ धर्म के आधार पर हमें जो बताया गया 14 जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं उनको आरक्षण का लाभ दिया गया था। हमारा संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर हम लोग आरक्षण नहीं दे सकते, वो नल एंड वॉइड होता है। चूंकि आचार संहिता अभी अभी खत्म हुई है, हम लोग बजट का चर्चा कर रहे हैं, फाइल मंगवाई है हमने, फाइल अभी आने वाली है, फाइल में देखेंगे नोटिफिकेशन किस आधार पर हुआ, संविधान के अनुसार हुआ है, संविधान के खिलाफ हुआ है, उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री के स्तर तक उच्च अधिकारी के साथ बैठकर मंथन करेंगे, जो भी संविधान के हित में होगा वो फैसला करेंगे। जम्मू कश्मीर में कुछ दिन पहले देखिए, निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अगर कहीं इस प्रकार की घटनाएं होती है तो गलत है, जिन लोगों की जान गई है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राजस्थान सरकार ने बड़ी मुस्तैदी के साथ में जिन 4 लोगों की जान गई है उनके साथ में उनको आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया है, आने वाले भविष्य सुरक्षित कैसे रह से उसके बारे में भी प्लान किया है। और निश्चित ही ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, देश में नरेंद्र मोदी की मजबूत सरकार है और आने वाले समय में निश्चित इस पर रोक लगेगी। पिछले 10 सालों में ऐसी इक्के दुके घटना के अलावा कोई बड़ी देश के अंदर घटना नहीं हुई है। ये नरेंद्र मोदी जी का मजबूत नेतृत्व है जिसके कारण आतंकवादी हो चाहे असामाजिक तत्व हो चाहे राष्ट्र विरोधी तत्व हो वो आने से कतराते, लेकिन फिर भी
जम्मू कश्मीर के अंदर जिन असामाजिक तत्वों ने किया है, हमारा जो सेना है, हमारी जो कंपनीज है, वो पूरा प्रयास कर रही है कैसे भी करके दोबारा इस प्रकार की घटना नहीं हो। योग दिवस के प्रोग्राम आप आए, 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा पूरे देश में, वर्ल्ड स्तर से। देखिए, राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने पहले भी करोड़ों बच्चों के साथ में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है योगा का। आज चूंकि नगर निगम ग्रेटर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुजर जी और पूरी नगर निगम ग्रेटर की टीम के द्वारा लगातार 25 घंटे से ज़्यादा तक इस चंद्रलोक के सभागार में योगा का कार्यक्रम हुआ है, मैं भी इसमें सहभागी बना हूँ। बड़ा अच्छा लगा कि जब योगा के बारे में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में इसको प्रचारित किया, विश्व योगा दिवस 21 जून को हम सब लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं, और आज देश के अंदर एक नई हवा चली है कि योगा को हम लोग अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाकर इसको फायदे हैं उसके बारे में लोग जागरूक करें। भारत ही नहीं अपितु विश्व के सैकड़ों देशों के अंदर इस प्रकार के आयोजन होते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता का परिणाम है कि भारत की सनातन संस्कृति ऋषि मुनियों की रही है, उसको पुनः 21वीं सदी में नरेंद्र नाथ दत्त, जो स्वामी विवेकानंद जी का सपना था कि जो भारत होगा 21वीं सदी का विश्वगुरु होगा, तो योग के अंदर भी भारत विश्वगुरु बना रहे, आर्थिक ताकत के रूप में भारत नंबर 1 बना रहे, सैन्य ताकत के रूप में बना रहे और आत्मनिर्भर भारत के रूप में बने, विकसित भारत के रूप में बने। इसलिए ये तमाम जो प्रयोग है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हो रहे, जिसके अंतर्गत आज योगा का जो कार्यक्रम हुआ है, निश्चित ही ये एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड भी हुआ है, नेशनल रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हुआ है। यहाँ की टीम को और ये पार्टिसिपेंट को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सरकार की तरफ। सर, मेरा लास्ट सवाल ये है, 2 दिन से लगातार बीजेपी कार्यालय में मीटिंगों का दौर चालू है, क्या हार की समीक्षा में क्या निकल के आया, किस तरीके से मानते हैं आप इस चुनावी परिणाम को, राजस्थान के संगठन में कोई चेंजेस देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में? देखिए, चुनावी रिजल्ट के बाद में हार जीत पर निश्चित ही मंथन होता है। अगर हम लोग 25 की 25 सीटें जीते तो भी मंथन होता, अगर हम लोगों ने 11 सीटें गवाई है तो भी मंथन हुआ है। निश्चित ही ये स्वस्थ राजनीति की परंपरा है कि अगर हम लोग मंथन करेंगे तो निश्चित ही कहीं कमियां रही है, उसको आगे के लिए दूर कैसे कर सकते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी में लगातार ऐसे, चाहे पंचायत समिति के चुनाव हो, चाहे जिला परिषद के हो, चाहे नगर निकाय के हो, चाहे MLA MP के चुनाव, जहां भी कहीं ना कहीं कमी रहती है, उसके बाद में ये जो समीक्षा बैठक होती है, और पिछले 2 दिन से ये समीक्षा बैठक हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन के जो हमारे आलाकमान हैं वो कर रहे हैं। आने वाले समय में कहीं अगर कमी रही उसको पूरा करेंगे, और प्रचंड बहुमत के साथ पूरे राजस्थान में नगर निकाय पंचायत राज चुनाव में हम लोग विजय से हासिल करेंगे। ये आलाकमान का फैसला होगा और हम तो आलाकमान के फैसले को सर्वोपरि मानते हैं। हमारे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं, हमारे लिए विचार महत्वपूर्ण है, और जो विचार को लेकर हम लोग चुनाव में हैं, संगठन में हैं, देश की राजनीति में हैं, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। वो जो हाईकमान निर्णय करता है वो हमारे लिए सर्वोपरि होता है। कई बार सुनने में आ रहे हैं अपनों ने दगा किया है, इसलिए बीजेपी भी इस तरीके से, ऐसा नहीं, वो समीक्षा बैठक है, समीक्षा बैठक में जो भी हुआ है, जो जिन लोगों को बुलाया गया है, अपेक्षित लोग हैं, उन्होंने बताया है, सारी चीजें संगठन के पास में है, नेतृत्व के पास में है, निश्चित ही आने वाले समय उसको ठीक किया जाएगा।